हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेशियल शेयर करने वाली हूँ जो है गोल्ड फेशियल। और ये फेशियल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, और ये सारी स्किन वाले आप कर सकते हो। और मैंने अपने फेस पर वो कुछ भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ एक मॉइस्चर है, तो मैं उसको क्लीन कर लूँगी आपके सामने। और ये बहुत ही इफ़ेक्ट देता है ये फेशियल। और अगर अभी सीजन बहुत पार्टीज़ वगैरह का चल रहा है, आप लोग पार्टी में जा रहे हो, आपके घर में पार्टी है, तो उस समय उसके 2 से 3 दिन पहले आप ये फेशियल कर लीजिए। बहुत ही अच्छा है। जेंट्स, लेडीज, मेल फीमेल कोई भी कर सकते हो, गर्ल बॉयज़ सभी कर सकते हैं। और टीन एज गर्ल से आप 70-80 एज से आप शुरू कर सकते हो। ये फेशियल बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल होममेड फेशियल है, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले अपने फेस पर देखिए कुछ भी नहीं लगा रखा है, इसलिए इग्नोर कीजिएगा। मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी हूँ, सिर्फ मैंने अपने फेस पर मॉइस्चर लगाया था और सिर्फ अपने फेस पर लिप बाम लगाया है मैंने, और कुछ भी नहीं लगाया है। और आप ग्लो अभी भी देख रहे हो मेरे फेस पर, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मॉइस्चर है और मेरे फेस का। आप देख लीजिए कि मैं कितना ग्लो कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम क्लिंजिंग मिल्क बना लेती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फेशियल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये फेशियल जरूर करके देखिए। चलिए फ्रेंड्स, गोल्ड फेशियल के लिए सबसे पहले हम फेस को क्लीन करेंगे। तो मैं क्लींजिंग मिल्क के लिए लूँगी, यह मैंने लिया है रॉ मिल्क, और रॉ मिल्क मैं थोड़ा ही ले रही हूँ। इसमें मुझे डालना है, ये मैंने रोज़ वाटर घर में बनाया था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ये डाल लेती हूँ। क्लीन होना चाहिए फेस, इसके लिए मैं उतना ही सफिशिएंट, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो मैं इतना ही ले रही हूँ। और मिक्स करके मैं अप्लाई कर लूँगी, और मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने क्लींजिंग मिल्क बना लिया है, और अब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो क्लीन करने के लिए हमारे फेस के लिए चाहिए एक कॉटन पैड, ये मैं बेला का ले रही हूँ कॉटन पैड, ये ले लूँगी मैं। और क्लीनिंग के लिए मैं ये ले रही हूँ, इससे ही क्लीन कर लूँगी मैं अपने फेस को। ये देखिए, इसमें अच्छे से डिप कर लेना है आपको, और अच्छे से आप कर लीजिए। स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए एकदम से, और इसके ऊपर ही आप स्क्रबिंग शुरू कर सकते हो। ये थोड़ा 2 मिनट के बाद इसको थोड़े थोड़े देर प्रेस करके आप इस तरह से मैं यहाँ तक करूँगी, इसलिए मैं यहाँ तक। आप फेशियल करने से पहले कोई भी पुराना टी शर्ट वगैरह या ऐसा टी शर्ट डाल लीजिए जिसमें कि आपके दाग वगैरह ना लगे, और आंखों के पास आसपास सारी जगह अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। मैंने बाल भी ऐसे टाई अप कर रखे हैं, इसके लिए इग्नोर कीजिए। मैं ऐसे ही, मैं सिर्फ आपके सामने जैसी हूँ वैसे ही आई हूँ, ऐसा नहीं है मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ। पहले भी आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं, फॉलो करते हैं मुझे, तो आप लोग को समझ में आता होगा कि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं अप्लाई करती हूँ। तो मैं 2 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, 2 मिनट्स बाद मिलती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, अब हम स्क्रब बनाएंगे, इसके लिए मैं लूँगी हनी। ये मैं हनी ले रही हूँ, डाबर का हनी है ये, मैं ये ले रही हूँ, और मैं इसको 1 स्पून डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना आपको सही लगे, मैं इतना ले रही हूँ। ये देखिए, इतना ही बहुत है। इसके बाद मैं ले लूँगी शुगर, आपके पास जो भी शुगर हो, अगर आपके पास बहुत ही, ये देखिए मैं, ये मेरी शुगर है ना, बिल्कुल बारीक वाली है, तो मैं वही डाल रही हूँ।
ये मैं बारीक वाली आधी स्पून डालूंगी, मैं हाफ स्पून और थोड़ा सा इसमें था वो डाल दे रही हूँ। और स्क्रबिंग इससे बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन में, अगर आप बहुत ज़्यादा डल है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, स्किन में बिल्कुल ग्लो नहीं है, तो इससे आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा और आपकी जो डेड स्किन होगी वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। ये भी मैंने हाफ स्पून हाफ के करीब ही डाला है लेमन। लेमन में एसिडिक फूड होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसको भी इतना ही ले रही हूँ। और ये हमारा स्क्रब तैयार है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके फिर अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, ये जितनी भी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मुझे ज़्यादा नहीं स्क्रबिंग करनी है, सिर्फ अच्छे से इसका काम होना चाहिए मेरे फेस पर, बस काम दे ये, हल्की हल्की स्क्रबिंग करनी है मुझे। चलिए लगाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट्स के बाद मेरा फेस एकदम ड्राई हो चुका है, तो अब मैं स्क्रबिंग करूँगी। तो स्क्रबिंग आपने देख चुकी है मैंने क्या क्या मैंने लिया है और कैसे स्क्रबिंग करनी है। मुझे ज़्यादा स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा थिन है और मेरी स्किन पर बिल्कुल भी टच वुड की मेरी स्किन पर बिल्कुल भी एक भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा मेरा फेस क्लीन रहता है, इसलिए मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट्स ही स्क्रबिंग करूँगी। मैं ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करती हूँ अपने फेस पर, वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए उस समय कर लेती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ, खुद भी कभी कभी कर इस तरह की स्क्रबिंग में जो जेंटली बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है, मैं उसी तरह का ही हर चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और जो मतलब होममेड चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप लोग भी होममेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ कीजिए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं 2 मिनट कर लेती हूँ अपने फेस को स्क्रबिंग, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं स्क्रबिंग करके अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ, पानी के साथ मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना। और अब मैं मसाज करूँगी, ये जो मैंने स्क्रबिंग की है उससे आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट रहेगी। जो मैंने हनी लिया है उससे हाइड्रेट तो हो ही जाएगी, और जो मैंने लेमन लिया है उससे आपकी स्किन एकदम से ब्राइट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी ब्राइट हो गई है। और मैंने शुगर लिया है वो आपके एक्सफोलिएट करने के लिए काम आएगा ही, ये तो आप जानते ही हैं, तो आप खुद भी देख सकते हो। मैं कोई कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। अब मैं बार बार ये सब बार बार दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बोलती रहती हूँ कि ये देखिए मेरा फेस कितना क्लीन एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। अगर कैप्चर हो रहा है तो आपको विजिबल हो रहा है तो देख ही रहे होंगे कि मेरा स्किन बिल्कुल कितनी अच्छी हाइड्रेट भी हो गई है और मेरी स्किन कितनी ग्लो भी कर रही है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मसाज किस तरह करनी है। अब हम मसाज के लिए ऑयल ले लेंगे, ये है मैंने स्वीट आलमंड ऑयल लिया है जो है हमदर्द का, रोगन बादाम शीरिन मैं उसको ले रही हूँ, मेरे के लिए बहुत है, मेरा और भी रखा हुआ है लेकिन मैं इससे ही पहले मैं इसको फिनिश कर लूँ फिर उसके बाद मैं दूसरा खोलूँगी। तो मैं सोच रही हूँ इससे ही करूँ, और समझ में मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, बहुत ही बुरी लग रही है स्किन, तो मैंने सोचा चलिए स्क्रबिंग मतलब अच्छे से फेशियल भी हो जाएगा मेरे फेस का और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। तो ये मैं अब मैं इसे मसाज कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मसाज के लिए हमें रोगन बादाम ऑयल लेना है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये स्किन को विटामिन, इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी स्किन क्योंकि समर्स में जो धूल मिट्टी की वजह से और ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन ड्राई भी हो जाती है और स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फेस एकदम फेस क्या पूरा पूरी बॉडी ही हमारी बहुत ही बुरी हो जाती है। तो आप 10 मिनट्स के लिए मसाज कर लीजिए इस ऑयल से। अगर आपको ये ऑयल नहीं करना है इस ऑयल से मसाज, तो आप कोई क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जो जो क्रीम आती है ना
मसाज वाली क्रीम आती है फ्रूट्स क्रीम, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप जो मसाज क्रीम आती है उससे भी, या फिर आप एलोवेरा जेल से भी मसाज कर सकते हो। तब तक आपको मसाज करनी है जब तक ये पूरा ऑयल आपकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए, अंदर तक ना पेनिट्रेट हो जाए, तब तक आपको ये मसाज करते रहनी है। 10 मिनट्स तक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज देनी है। सिर्फ आपको जो स्टेप आते हैं आप उन्हीं स्टेप को करते रहिए, बस आपकी स्किन लूज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो वहाँ पर आपको बहुत ही जेंटल होकर इतने अच्छे से ऐसे धीरे धीरे मसाज करनी है। इसी से, इस फिंगर से ही करनी है आपको मसाज आई एरिया पर। ये रिंग फिंगर से आपकी इधर पे जो कम होता है, इससे इससे दबाव बहुत कम होता है, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको इधर, सिर्फ ऐसे जेंटली रहना है। क्योंकि यहाँ पर किसी किसी को बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस वगैरह हो जाती हैं, लाइंस रिंकल आने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जितनी भी अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं, या फिर आपकी स्किन में फाइन लाइंस आ रही हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, तो आप ये वाला फेशियल और ये वाला मसाज तो आपको करनी ही करनी है डेफिनेटली, और बहुत ही अच्छे से करते रहिए। ये इतनी जल्दी ऑयल सूखता नहीं है, इतनी जल्दी ड्राई नहीं करता है, तो आप अच्छे से मसाज करते रहिए। चलिए मैं 10 मिनट्स बाद आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब फेस पैक बना रही हूँ, गोल्ड फेशियल कर रही हूँ, तो मैं मुझे अच्छा सा फेशियल के लिए मुझे चाहिए कर्ड, चाहिए मुझे 1 स्पून से, मैंने स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और ये लूँगी मैं। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लेमन, हल्का ही डालूंगी क्योंकि ये भी सिट्रिक फूड होता है, तो इसलिए कम ही डाल रही हूँ। और मैं डालूंगी बाइल टर्मरिक, मैंने इसमें रख ली है। तो आपको यही वाली हल्दी लेनी है, आपको वो वाली हल्दी नहीं लेनी है जो आपकी किचन में काम आती है, वो हल्दी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। यही वाली वाइल्ड टर्मरिक आपके पास हो तो आप ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको भी ले सकते हो। तो मैं इतना ही ले लूंगी इसको, थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, मुझे इससे बहुत ही अच्छा लगता है इसको लगाना। और मैं लूंगी, ये मैं चंदन पाउडर ले रही हूँ, ये मैंने अपने लोकल मार्केट से ही खरीदा था, ये देखिए चंदन पाउडर, मैं इसको ले रही हूँ। स्पून ले लूंगी क्योंकि इससे स्किन आपकी ठंडक भी प्रोवाइड होगी, आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा भी रहेगा और बहुत ही अच्छी से आपकी स्किन हो जाएगी इससे। और मैं थोड़ा सा हनी डाल रही हूँ इसमें, मैं इसमें भी हनी डाल रही हूँ क्योंकि हनी से बहुत ही अच्छे ग्लो तो आता ही है, लेकिन हाइड्रेट भी बहुत ही अच्छे से कर देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप रोज़ वाटर में बना लीजिए। अब मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ सामने अप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने मसाज भी कर ली है और आपने ये पैक भी देख लिया है मैं कैसे बनाया है मैंने, और अब आप, मैं इसको लगा रही हूँ वो भी देख लीजिए। इसको आपको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है अपने फेस पर, और जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं आपको वही डालना है, क्योंकि इसमें जो भी मैंने डाला है, जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो गोल्ड फेशियल के लिए बहुत ही अच्छी हैं, और आप भी जब ये करेंगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा आपको। और ये बहुत ठंडक दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर डाला है, तो सैंडलवुड पाउडर आप जानते ही हो कितना अच्छा होता है। और मैंने इसमें कर्ड लिया है, हनी लिया है, जो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो अब वो भी ड्राइनेस कम हो जाएगी, मेरे फेस की ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, एकदम जैसा मुझे फेस चाहिए।
वैसा रहेगा। तो मैं हैंड से ही लगा ले रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन मैं नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा ब्रश वगैरह, इसी से ही लगा लेती हूँ हाथों से, क्योंकि जैसे आपको लगाना है उस तरह से लग सकता है, ये आराम से लग जाता है, इसलिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, ब्रश से लगाना है ब्रश से लगा लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे जैसे सूट करे आपको उस तरह से आपको यूज़ करना है ये सब चीज़ें। लेकिन प्लीज़ आप ये वाला फेशियल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने बहुत सारे फेशियल आपको बता रखे हैं, मार्केट वाले भी फेशियल बता रखे हैं, जो मैंने होममेड बनाए हैं वो भी बता रखे हैं आपको, तो आपको जो भी सूट करे आपकी स्किन पर तो आप कर लीजिए, क्योंकि समर्स में 15 डेज में आपको कोई भी फेशियल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल बहुत गंदी हो जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स आपने जिसको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए, मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैंने 20 मिनट रख लिया है और सूख गया है हल्का हल्का, बस मुझे इसी तरह चाहिए था, और अब मैं वॉश कर लेती हूँ इसको, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए बिल्कुल सूख गया है और ज़्यादा नहीं सुखाना है मुझे, क्योंकि मेरे ड्राई स्किन है तो पूरा सूख जाएगा तो मुझे उतना इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पूरा सुखा कर आप रब करके हटा सकते हो। तो चलिए मैं धुलकर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैं अपने फेस को वॉश कर आ गई हूँ और मैं अब ड्राई कर लेती हूँ, पैड ड्राई कर लूँ। देखिए मेरे फेस कितना अच्छा हो गया है एकदम, ये थोड़ा थोड़ा जो आपको येलो येलो सा दिख रहा है तो वो टर्मरिक की वजह से दिख रहा है, और मेरे स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है। ये कैमरा जो रहता है वो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से कैप्चर नहीं करता है, तो कोई भी कैमरा किसी का भी रहता है तो वो अच्छे से कैप्चर नहीं करता है, तो आप ये मत सोचा करिए कि कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करके देख सकते हो। मैंने आपके सामने ये मैंने कर लिया है फेशियल, गोल्ड फेशियल है ये, आप किसी पार्टी में जाने से पहले 3 डेज पहले या 2 डेज पहले आप कर लीजिए तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुझे फॉलो करते रहते हैं वो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में लाइक करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाएं, और बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ, तो और ये यूज़ करके ज़रूर देखिए। मैं क्योंकि देखिए जो भी कोई भी रेमेडी मैं बताती हूँ, होम रेमेडी हो या जो भी मैं बनाती हूँ, या फिर आपको स्किन से रिलेटेड, या फिर आपकी जो प्रोडक्ट मैं बताती हूँ बिल्कुल हार्म नहीं होते, बहुत ही अच्छे बिल्कुल ओरिजिनल और अच्छे प्रोडक्ट ही बताती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझ पर भी ट्रस्ट कीजिए, और मैं कोई भी फेक चीज़ नहीं बताऊँगी आपको। सॉरी ये थोड़ा गीला हो गया है क्योंकि मैंने वॉश किया था, तो फ्रेंड्स मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ, तो प्लीज़ हर वीडियो में लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि एक लाइक से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं कितनी बार बताऊँ आपको। चलिए फ्रेंड्स बाय।